मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। Isn't it heartwarming? Isn't it touching? When their innocent eyes say it all. When their innocent eyes say it all. When their smile creates peace in your mind. When their smile creates peace in your mind. When their touch has the power to heal. When their hugs calm down a storm within. When their mere presence gives us courage to face the world. When they read your mind without you saying a word. When they turn your frown upside down. When their cheerful laughter makes you happy. When they not only become a reason to come home, but also become your home. When you draw strength from their love, when they uplift your spirit, when you fall in life, when they make words like happiness active in your life, when you know what love means when they are with you, when you feel loved and supported, when they hold your hand, when they caress your head and say everything will be fine. When the heart, body, mind and soul are connected. When the soul is pure and the aura divine. Yes, they are your happiness, your backbone, your go-to person, your light at the end of a dark day, your guiding light. We all have that special someone in our life. We all have that special someone in our life who does all these things for us silently. Silently. It sure is a heavenly feeling to have someone so special. We must cherish each and every moment with them. These moments are precious. Treasure them. And We must go and thank them for all that they have done lovingly for us. They make us who we are today. Our soulmates. How much you love them. Tell them how much you love them. Spending time with them is the best gift we have received. Because love is what keeps us going. So spread the love. It can only do a world of good. Jab tak unchi na ho zameer ki lau, aankhon ko roshni nahi milti. Lene se taaj o takht milte hain, maangne se bheekh nahi milti. Dosto, शब्दों की अपेक्षा काम ज्यादा जोर से बोलते हैं, है ना? अगर हम किसी से कहें मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे इन शब्दों में या किसी दूसरे शब्दों में, और फिर कुछ ऐसा काम कर दें जो ये जाहिर करे कि हमारा वाकई ये मतलब नहीं था, तो हमारे काम, हमारे एक्शंस, हमारा भेद खोल देंगे। दोस्तों, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हर स्थिति में हम वैसा ही काम करें जैसा हम बोलते हैं। दोस्तों, इसकी एक बेहतरीन मिसाल है एक सच्ची घटना जो कई साल पहले घटी थी, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो करोड़पति थे, दयावान भी थे। दोस्तों, हुआ यूं, एक दिन गिरते पानी में एक मैली कुचली सी बूढ़ी महिला मुंबई के एक डिपार्टमेंट स्टोर में पानी से बचने और मदद मांगने के लिए आई, लेकिन वो पूरी गीली और निर्धन दिखाई पड़ रही थी, इसलिए किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, एक युवा सेल्समैन को छोड़कर।
जिसने उससे कहा, जब तक कोई आपको लेने नहीं आता और आप उसका इंतजार कर रही हैं, क्या आप बैठना चाहेंगी? और उसने उस महिला के लिए टैक्सी का इंतजाम किया। जाने से पहले उस बूढ़ी महिला ने उस युवा सेल्समैन से पूछा, यंग मैन, तुम्हारा नाम और पता एक कागज पे लिख के मुझे दे दो। और उस सेल्समैन ने वही किया। दोस्तों, अगले दिन उस महिला के बेटे ने उस स्टोर को फोन किया और कहा कि वो अपने नए खरीदे हुए बंगलों की सजावट के लिए पूरा फर्नीचर खरीदना चाहते हैं। ये वही दयावान करोड़पति आदमी थे और वो बूढ़ी महिला उस करोड़पति आदमी की मां थी। उस करोड़पति ने कि वो चाहते हैं कि वही युवा सेल्समैन सारी बिक्री करे और पूरा कमीशन उसे ही दिया जाए। इसके अलावा वो चाहते हैं कि वो युवा सेल्समैन उनके साथ उनके बंगलों पे जाकर उस फर्नीचर को फिट करने में मदद करें। दोस्तों, वो करोड़पति आदमी, वो दयावान करोड़पति आदमी उस स्टोर के मैनेजर से बोल रहे थे और उस मैनेजर को बहुत बुरा लगा, उसे आघात पहुंचा, लेकिन उसने छुपाने की कोशिश की। उस मैनेजर ने करोड़पति आदमी से क्या कहा, बातें और भी। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक दिन गिरते पानी में एक मैली कुचली सी बूढ़ी महिला मुंबई के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पानी से बचने और मदद मांगने के लिए आई, लेकिन वो पूरी गीली और निर्धन दिखाई पड़ रही थी, इसलिए किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, एक युवा सेल्समैन को छोड़कर जिसने उस महिला की मदद की, उसे बैठने के लिए कहा, उनके लिए टैक्सी का इंतजाम किया। उस महिला ने उस युवा सेल्समैन का नाम और एड्रेस ले लिया। दूसरे दिन उस महिला के बेटे का फोन आता है। उस महिला का बेटा करोड़पति है। उस करोड़पति आदमी ने स्टोर के मैनेजर से कहा कि वो अपने नए खरीदे हुए बंगलों की सजावट के लिए पूरा फर्नीचर खरीदना चाहता है और वही युवा सेल्समैन सारी बिक्री करे और पूरा कमीशन उसे ही दिया जाए। मैनेजर को इस बात से आघात लगा, लेकिन उसने ये छुपा दिया और कहा कि वो युवा सेल्समैन नया है, उसे कोई अनुभव नहीं है और वो खुद वहां पे कई सालों से काम कर रहा है और उसे इतना बड़ा काम करके बड़ी खुशी होगी। इस पे उस करोड़पति ने जवाब दिया, मेरी मां ने कहा कि इस युवक ने उसके प्रति उदारता दिखाई है, जबकि वो जानता भी नहीं था कि वो महिला कौन थी। इससे मुझे पता चला कि वो व्यापार और लोगों को समझता है, उसे ये काम सौंपा जाता है और मैं चाहता हूं कि उसे सभी कमीशन दिया जाए। मैं दोबारा जांच करूंगा कि उसे ये मिले और अगर उसे नहीं मिला तो मैं अपना लेन देन भविष्य में और कहीं करूंगा। दोस्तों, उदारता से काम करते हुए उस युवक ने इंसानियत का, प्यार का इजहार किया था। पुरस्कार उसे कई गुना ज्यादा हासिल हुआ। हम जैसे काम करते हैं, दूसरे हमें उसी तरह समझते हैं। अगर हम प्यार से काम करेंगे तो हमें प्यार भी बहुत ज्यादा मात्रा में वापस प्राप्त होगा। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील कचवानी। दुनिया में प्यार ऐसी अकेली वस्तु है जिसे पाने के लिए उसे देना पड़ता है। दोस्तों, अपने आप को समर्पित करने की एक और विलक्षण और आसान विधि है, मुस्कुराइए। और हमारी मुस्कानें हमें देखने वाले व्यक्तियों पे गहरा असर डाल सकती हैं। दोस्तों, आप इस बात पे जरूर सहमत होंगे कि मुस्कुराहट सूरज के समान है। इसमें पूरे दिन को और कभी कभी एक पूरे जीवन को उज्जवल बना देने की शक्ति है। What do you think, friends? दोस्तों, ये मिसाल है दिनकर की।
उनके बहुत बुरे दिन चल रहे थे, उनके लिए सभी कुछ बहुत खराब चल रहा था और वो निराश थे। उन्होंने फैसला किया कि ये अंत था और वो नदी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करना चाहते थे। वो नदी की ओर जाने वाले रास्ते पे एक बिल्डिंग से बाहर आए और लगभग उसी समय एक ऐसे व्यक्ति ने उन्हें आवाज लगाई जो बहुत गरीब भी थे और बहुत कमजोर भी और निराश भी लगता था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और उसने दिनकर से पूछा, साहब क्या आप कुछ पेंसिलें खरीदना चाहेंगे? दिनकर ने 10 रुपए का नोट निकाला और उस आदमी को दे दिया और आगे चलना शुरू किया। वो गरीब आदमी दिनकर के पीछे पीछे आया और चिल्लाया, साहब आप अपनी पेंसिल भूल गए हैं। इस बात पे दिनकर क्या कहता है, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील कछवानी। दोस्तों, अपने आप को समर्पित करने की एक और विलक्षण और आसान विधि है, मुस्कुराइए। और हमारी मुस्कानें हमें देखने वाले व्यक्तियों पे गहरा असर डाल सकती हैं। दोस्तों, आप इस बात पे जरूर सहमत होंगे कि मुस्कुराहट सूरज के समान है। इसमें पूरे दिन को और कभी कभी एक पूरे जीवन को उज्जवल बना देने की शक्ति है। What do you think, friends? दोस्तों, ये मिसाल है दिनकर की। उनके बहुत बुरे दिन चल रहे थे, उनके लिए सभी कुछ बहुत खराब चल रहा था और वो निराश थे। उन्होंने फैसला किया कि ये अंत था और वो नदी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करना चाहते थे। वो नदी की ओर जाने वाले रास्ते पे एक बिल्डिंग से बाहर आए और लगभग उसी समय एक ऐसे व्यक्ति ने उन्हें आवाज लगाई जो बहुत गरीब भी था और कमजोर भी और निराश भी लगता था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और उसने दिनकर से पूछा, साहब क्या आप कुछ पेंसिलें खरीदना चाहेंगे? दिनकर ने 10 रुपए का नोट निकाला और उस आदमी को दे दिया और आगे चलना शुरू किया। वो गरीब आदमी दिनकर के पीछे पीछे आया और चिल्लाया, साहब आप अपनी पेंसिल भूल गए हैं। इस बात पे दिनकर क्या कहता है, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वो गरीब आदमी दिनकर के पीछे पीछे आया और चिल्लाया, साहेब आप अपनी पेंसिल भूल गए हैं। दिनकर ने पीछा छुड़ाते हुए उस आदमी से कहा, मुझे कोई पेंसिल वेंसिल नहीं चाहिए। वो आदमी दिनकर के पीछे काफी दूर तक लगा रहा, चलता रहा और लगातार दोहराता रहा कि या तो वो पेंसिल ले लें या फिर अपने पैसे वापस ले लें। और दिनकर को यह सबसे आश्चर्यजनक लगा कि पूरे समय वो व्यक्ति मुस्कुराता ही रहा। आखिर दिनकर ने वो पेंसिलें ले ली और ये महसूस किया कि वो अब आत्महत्या करके मरना नहीं चाहता था। बाद में उसने बताया, मैं सोचता था कि मेरे पास जीवित रहने का कोई कारण नहीं था, जब तक कि मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा था जो बेहद कमजोर था, गरीब था, फटेहाल था, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की शक्ति उसमें थी। मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। जब तक ऊंची न हो जमीर की लौ, आंखों को रोशनी नहीं मिलती। लेने से ताजो तख्त मिलते हैं, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। जब तक ऊंची ना हो जमीर की लौ, आंखों को रोशनी नहीं मिलती। दोस्तों, किसी दूसरे मनुष्य की एक सीधी सादी मुस्कुराहट ने दिनकर के जीवन को वापस पूरा घुमा दिया। इसलिए हम आपको हमेशा सुझाव देते हैं कि आप मुस्कुराइए और खास तौर पे अजनबियों के आगे उनके सामने।
केवल मुस्कुराने के काम से ही आप पहले से अच्छा अनुभव करने लगेंगे और आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि इससे उनके लिए कितना अंतर पड़ेगा। दोस्तों, हमारा ये सुझाव आप मान लीजिए, इसको आजमाइए। लिफ्ट में, एलिवेटर में मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। लिफ्ट में जाइए और बजाय सामने देखने के पीछे देखिए। इससे लोग ताज्जुब में पड़ जाएंगे। अगर आप थोड़ा ज्यादा देर मुस्कुराएंगे तो थोड़ी देर में वो शायद अचरज भी करें कि आप ऐसा क्या कर आए हैं जिससे आप इतने खुश हो रहे हैं। और ज्यादातर आपको बदले में मुस्कान ही मिलेगी, और केवल आपने ही दूसरे व्यक्ति का दिन अच्छा नहीं बनाया होगा, बल्कि हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपके लिए भी ऐसा ही कुछ कर दिया होगा। मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्यार करने के और भी कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्पष्ट हैं और हमें उनका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। वो यूं है, आंख से आंख मिलाइए, हाथ पकड़िए, बात गौर से सुनिए, सचमुच सुनिए। जब आप किसी के साथ हों तो पूरी तरह से वहीं उसी क्षण में स्थित रहें। स्टे इन दैट मोमेंट, स्टे विद द पर्सन। आपके भाई हो, बहन हो, माँ हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उनके साथ उन पलों में रहिए। अच्छे सकारात्मक गाने सुने, हमेशा कोमलता और स्नेह का प्रदर्शन करें, हमेशा खुले दिल के रहें और स्पॉन्टेनियस रहें। बातों पे ध्यान दें और उनका जवाब भी दें। मन से साफ रहें, साफ सुथरे रहें और अपने प्यार की खुशबू बिखेरें। आप फूल प्रदान करें। बाहर के काम, घरेलू काम और खेल के समय में सहभागी बनें। हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमेशा खुश रहें। अगर हम समर्पित हैं दोस्तों, तो प्यार हर तरफ बिखरा हुआ है। आप अपना प्यार दूसरों को दीजिए और वो कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलेगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। खुदा से मैंने दुआ मांगी, दुआ में अपनी मौत मांगी। खुदा ने कहा, मैं तुम्हें मौत दे भी दूं, मगर उसको क्या जवाब दूं जिसने तुम्हारे लंबी उम्र की दुआ मांगी है। दोस्तों, जब हम किसी दूसरे से बहुत सकारात्मक रुख में बातें करते हैं तो उस समय हम ये नहीं जानते कि इसका नतीजा, कि इस वजह से हम कितने पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दीपक कोल्हापुर में रहता है। उसने एक शुक्रवार को सुबह ये निश्चित किया कि व्यापार में उसका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गुजरा था और इसके लिए वो खुद को इनाम देना चाहता था। हम आपको भी प्रेरित करना चाहते हैं दोस्तों, कि जब भी आपको अनुभव हो कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो अपने आप को फौरन ही इनाम जरूर दें। दोस्तों, बात दीपक की हो रही है। उसका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया था और वो अपने आप को इनाम देना चाहता था। उसने एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो टेबल के लिए एक बहुत लंबी कतार लगी थी, इसलिए वो काउंटर के पास ही बैठ गया। उसके बगल में ही एक कम बोलने वाला व्यक्ति बैठा था जो अपने आप में बेहद खोया हुआ सा लग रहा था और जाहिर है नहीं चाहता था कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। दीपक में एक अनोखा, ओजस्वी और बाल सुलभ गुण है। दीपक ने उस व्यक्ति से बात करना शुरू किया और आखिर में उसका राज भंग कर दिया। दोनों ने लगभग 2 घंटे तक साथ साथ भोजन किया। तब दीपक को समय का ख्याल आया और कहा कि उसके कुछ अपॉइंटमेंट हैं। दीपक ने उस व्यक्ति को अपना कार्ड दिया और उससे एक कार्ड बदले में हासिल किया, उस व्यक्ति से दोबारा कभी न मिलने की उम्मीद में। लेकिन आगे क्या होता है? मैं आपका दोस्त, आपका अजीज
सुशील गजवानी। दोस्तों, दीपक एक आदमी से एक रेस्टोरेंट में मिला, उनके आपस में बातें हुई, उन्होंने अपने कार्ड एक्सचेंज किए और फिर चले गए। अगले सप्ताह बुधवार को वही व्यक्ति, वही अजनबी आंखों में आंसू भरे हुए दीपक से उसके ऑफिस में ये कहते हुए मिला कि दीपक ने उसकी जिंदगी बचा दी थी। जाहिर है दीपक दंग रह गया था। फिर उस व्यक्ति ने पूरी कहानी कह डाली। जिस सुबह उन दोनों ने साथ साथ नाश्ता किया था, ब्रेकफास्ट किया था, वो व्यक्ति उसी समय डॉक्टर के पास से आया था जिसने बताया था कि एक्सरे जाहिर करता है कि वो घातक बीमारी से पीड़ित था जो अंत में असहनीय पीड़ादायक साबित होगी। उसी क्षण उस व्यक्ति ने यह निश्चित कर लिया था कि वो आत्महत्या कर लेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने एक बार अच्छी तरह भरपेट खाना खाने का फैसला किया और उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां दीपक आया था। वहां वो दीपक से टकरा गया, जिसने उससे प्यार और अपनेपन से बात की कि उसने निर्णय लिया कि वो आत्महत्या नहीं करेगा और इस तरह अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी बची हुई जिंदगी से वंचित नहीं करेगा। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती, आगे क्या होता है बातें करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वो अजनबी दीपक से उसके ऑफिस में मिलने आया और उसे कहा कि दीपक ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उस व्यक्ति से डॉक्टर ने कहा था कि उसे एक बहुत ही सीरियस बीमारी है और वो बहुत पीड़ादायक साबित होगी और उसने फैसला किया था कि वो आत्महत्या करेगा, लेकिन आत्महत्या से पहले उसने फैसला किया कि अच्छी तरह खाना खा लेगा और उसके बाद आत्महत्या करेगा। लेकिन जब दीपक से उसकी बातें हुई तब उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने फैसला किया कि वो आत्महत्या नहीं करेगा और इस तरह अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी बची हुई जिंदगी से वंचित नहीं करेगा। लेकिन उसी दिन सुबह जब वो डॉक्टर के पास वापस गया तो उसे पता चला कि किसी तरह एक्सरे बदल गया था। जी हाँ दोस्तों, किसी तरह एक्सरे बदल गया था। वो बड़ी आंत की सूजन से पीड़ित तो था, लेकिन वो जानलेवा बीमारी नहीं थी। वो आदमी इसलिए रो रहा था कि अगर दीपक वहां नहीं होता तो अब तक वो मर चुका होता। इसीलिए दोस्तों, हम कभी नहीं जान पाते कि हमारा प्यार से भरा एक शब्द, हमारा प्यार से भरा एक शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या मायने रखता है, क्या अर्थ रखता है। वो उसकी जिंदगी भी बदल सकता है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अगर हम समर्पित हैं तो प्यार हर तरफ बिखरा हुआ है। आप अपना प्यार दूसरों को दीजिए और वो कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलेगा। इस सच्चाई का एक बेहतरीन उदाहरण है मूमल की कहानी, जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। मूमल एक बेहतरीन टीचर थी जो ये सोचती थी कि जब उसे समय मिलेगा तो वो कला और कविता की रचना करना चाहेगी, लेकिन जब वो 28 साल की हुई तो उसके सिर में गंभीर पीड़ा होने लगी। उसके डॉक्टरों ने पता लगाया कि उसके दिमाग में काफी बड़ा ट्यूमर था। उन्होंने मूमल को बताया कि ऑपरेशन के बाद भी उसके बचने के अवसर केवल 2% ही थे, इसलिए फौरन ऑपरेशन करने के बदले उन्होंने 6 महीने इंतजार करना बेहतर समझा। दोस्तों, मूमल जानती थी वो आर्टिस्टिक थी, उसमें क्रिएटिविटी भर भर के थी, इसलिए इन 6 महीनों में उसने बड़े जोश से लिखा और काफी पेंटिंग्स बनाए। एक कविता के अलावा उसकी सारी कविताएं मैगजीन्स में छप गईं। उसकी सारी कलाकृतियां एक को छोड़कर गैलरीज में एग्जिबिट हुई
उसकी कलाकृतियों का एग्जीबिशन हुआ और वो पेंटिंग्स बिक भी गईं। दोस्तों 6 महीने के बाद उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन एक रात पहले उसने अपने आप को शारीरिक और शाब्दिक रूप से त्याग दिया। मरने की अवस्था में उसने एक वसीयत लिखी। अपनी वसीयत में उसने अपने शरीर का प्रत्येक हिस्सा उन लोगों को दान कर दिया जिन्हें उनकी मूमल से कहीं ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों मूमल ने वसीयत में लिखा कि वो देह दान करना चाहती है। बाद में क्या होता है, मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों मूमल का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, वो जानलेवा बन गया। ऑपरेशन के समय मूमल की मौत हो गई। इसके बाद उसकी आंखें मुंबई के एक आई बैंक में भेज दी गई और वहां किसी नौजवान को दी गई। मूमल ने दान की हुई आंखों की वजह से एक युवक उम्र 28 साल अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ गया। वो युवक इतना कृतज्ञ था, एहसान मंद था कि उसने उस नेत्र बैंक को पत्र लिखकर खत लिखकर उसके अस्तित्व को धन्यवाद दिया। उस नेत्र बैंक को 30,000 से ज्यादा आंखें देने के बाद भी ये केवल दूसरा थैंकिंग लेटर मिला था। उस युवक ने आंखें देने वाले के माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहा। वो भी अनोखे ही लोग होंगे जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने अपनी आंखें दान कर दी। उसे उस परिवार का नाम बताया गया और वो उनसे मिलने उनके घर गया। दोस्तों वो पहले बताए बिना उनके घर गया और दरवाजे की बेल बजाई। उसका परिचय जानने के बाद मूमल की मां ने उसे सीने से लिपटा लिया। वो बोली, यंग मैन, अगर तुम्हें कहीं न जाना हो तो हम चाहेंगे कि तुम अपना वीकेंड हमारे साथ ही बिताओ। वो ठहर गया और जब वो मूमल के कमरे में घूम रहा था तो उसने देखा कि मूमल ने प्लेटो को ब्रेल में पढ़ा था, मूमल ने हीगल को पढ़ा था, उसने भी हीगल को ब्रेल लिपि में पढ़ा था। अगली सुबह मूमल की माँ उसे देख रही थी, तभी बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन मैं नहीं जानती कहां। तभी अचानक उनका आंतरिक ज्ञान चमक उठा। आंतरिक ज्ञान, वो दौड़ती हुई ऊपर गई और मूमल द्वारा बनाया गया अंतिम चित्र आखिरी पेंटिंग खींचकर बाहर निकाला। वो उसके आदर्श व्यक्ति का पोर्ट्रेट था। दोस्तों मूमल ने बनाया हुआ वो पोर्ट्रेट उसी युवक जैसा ही था। लगता था जैसे मूमल के अंतर्मन ने उसका चित्र उसकी पेंटिंग बहुत पहले बना दी हो। फिर मूमल की मां ने मूमल द्वारा अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए आखिरी कविता उठाई जो उसने अपने डेथ बेड पे पड़े पड़े लिखी थी। उसमें लिखा था, दो दिल रात में गुजरते हुए प्यार करने लगते हैं, कभी भी देख न सकेंगे एक दूसरे को। दोस्तों आंतरिक ज्ञान, इंट्यूशन, गट फीलिंग, हमारा अंतर्मन। तभी तो मैं कहता हूं हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।